हमारे सामूहिक परिवार में जन्माष्टमी हर वर्ष बहुत चाव और प्यार से मनाई जाती है। जब हम छोटे थे तो उस दिन हमारी दादी माँ का बड़ा सत्संग निकलता था, जो खिलौनों से और सजावट की चीजों से भरा होता था, और हम सबका काम था उन्हें सजाना। तो उस कमरे में एक बड़ा सा तिमंजला तख्त रखा जाता था, सबसे ऊपर सारे देवी देवताओं की चित्र सजावट के साथ वो रखे, उसके नीचे मूर्तियां और बीच में एक चांदी का झूला बाल गोपाल के लिए, और सबसे नीचे थाल जिनमें मिठाई फल प्रसाद धूप दीप रोली चावल मौली ये सारी चीजें घंटी शंख ये सब रखी जाती थी। उसके आगे हम सब सजाते थे तो उस ट्रंक में से एक तो रेलगाड़ी निकलती थी जिसमें इंजन भी होता था, डिब्बे भी होते थे और गार्ड का डिब्बा भी होता था। उसकी दूसरी तरफ हम सारे जानवर निकलते थे, उसमें से घोड़े बैल गाड़ियाँ मुर्गे मुर्गियाँ और कुत्ते बिल्लियाँ सारे वो जानवर निकलते थे, वो वहाँ सजते थे। उसके आगे फिर एक आठ बैंड वाले थे वो खड़े करते थे, और दूसरी तरफ किसान और गाँव की लड़कियाँ रंग बिरंगी लहंगे और दुपट्टे पहने हुए वो सब, और फिर बीचम बीच हम सारे में फूल पौधे वो सब लगा देते सजा देते थे सारा। फिर बाकी सारे बड़ी सी चांदनी पे सफ़ेद चादर पे हारमोनियम तबला ढोला डफ मंजीरे घुंघरू। 8:30 बजे दिया जलता था और सबसे पहले सारे घर के बच्चे अपने अपने स्कूल के भजन गाते थे, उसके बाद फिर बाकी सारे भजन गाए जाते थे बाल गोपाल गोपी कृष्ण ज्ञानेन्द्र वो सारे। फिर वो समय जबकि कृष्ण का जन्म होना था वो जब होता था तो हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे, और दादी माँ एक खीरे में उसको काट के छोटी सी चांदी की कृष्ण जी की मूर्ति छुपा के रखती थी, और अपने पल्लू के पीछे से बड़े जादूगरी करामात के साथ निकाल के और कहती थी जन्म हो गया जन्म हो गया जन्म हो गया, और साफ करके पोशाक पहना कर और उन्हें झूले पे विराजमान करती थी, फिर झुलाती थी। तो फिर भोग दूध जल पान लोरी ये सारे गाए जाते थे, और उसके बाद आरती होती थी और उसके बाद सबको प्रसाद मिलता था, चरणामृत मिलता था, और दादी माँ कहती थी बोलो बाल गोपाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।